क्यों मैं दुल्हन हूँ। तुम अपने पैसे वसूल कर चुके हो मिकाल, तुम अपना मौका इसका पीछा छोड़ दो। इन दोनों के दरमियान इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है तो फिर मीर की गाड़ी मिकाल के पास क्या कर रही है? तुमने मुझसे शादी का वादा किया और अब तुम अपने वादे से मुकरना चाह रहे हो। मामू आप मेरी बात बस, अब इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए दफा हो जाओ यहाँ से। जी कौन? जी मैं मिकाल हूँ, मुझे जूबी से मिलना है। जूबी तो बेटा इस वक्त सो रही है और काफी थकी भी आई थी तो कहकर सोई है कि मुझे ना उठाएं अभी। आप उसे बताएं कि मिकाल है शायद तो असल में थोड़ा थकी हुई आई थी तो इसलिए सो गई है, आप कल आके मिल लीजिएगा। जूबी झूठ क्यों बुलवाया तुमने मुझसे, ये तो तुम्हारा बड़ा अच्छा फ्रेंड था ना। बस ऐसे ही कुछ नहीं। ऐसे ही क्या मतलब, तुम्हारी इससे अच्छी दोस्ती थी? हाँ तो दोस्ती तो अभी भी है। खैर आप नहीं समझेंगी। आप नहीं समझेंगे या तो मुझे समझाना नहीं चाहती? आप क्यों टेंशन ले रही हैं, आप नहीं समझ सकती, आप मत स्ट्रेस लें। क्या मतलब आप नहीं समझती? फरनाज पता नहीं ऐसा क्यों सोचती है कि वो मुझे उस दरिंदे से बचाने आया था। फरनाज भूल सकती है लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती वो रात जब मुझे वो उस जानवर के आगे फेंक कर चला गया था। मेरे पापा का कातिल है वो, कभी माफ नहीं कर सकती मैं उसे। अक्रम उससे मिलने आया था छत पर। हाय अल्लाह वो गुंडा गली का मवाली अक्रम। जी हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही और ये पहले भी मिल चुकी है। ठीक है ज्यादा शोर मचाने की क्या जरूरत थी, अगर कोई मोहल्ले वाला सुन लेता तो। तुम तो बदनाम होगी, उसे भी बदनाम करोगी तुम। अम्मी मैं तो जो कुछ भी कर रही थी इसके भले के लिए कर रही थी, मैं नहीं चाहती कि ये किसी गलत रास्ते पर चले। हाँ तू तो जैसे बड़ी दूध की धुली हुई है ना। अम्मी एक मिनट मेरी बात सुनो। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया। चल 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 अम्मी छोड़ दे, वहां क्यों खड़ी हुई है, चल नीचे। शामीर से मिलकर मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही? लड़कियां होती ना काबिल एतबार है। तुमने अच्छा नहीं किया जूबी, तो समझता था मैं तुम्हें। अच्छा तो तुमने भी नहीं किया मेरे साथ मिकाल। यहाँ
क्या था ये सब कुछ? मैं पूछ रही हूँ ये सब कुछ क्या था जो आज हुआ है? तुम जानते हो उस लड़की की वजह से आज मैं अपने भाई भाभी यानी और किसी के भी सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ। और उस लड़की को इतनी जुर्रत इतनी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुमने उससे कोई वादा कर लिया था तो फोन करके वहां पर उसे गवाही दिलवाने की हमाकत क्यों की तुमने? सब कुछ नहीं है जैसा आप और बाकी सब समझ रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया और तुम कह रहे हो सब कुछ नहीं। तुम जानते भी हो आज मुझे अपने भाई के घर से कैसे आना पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वो मुझसे कह रहे हैं कि निकलो मेरे घर से। बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम सब ठीक कर दोगे? कुछ ठीक नहीं हो सकता। जो मेरी बेइज्जती हुई और जो इंसल्ट मैंने महसूस किया तुम उसे वापस ला सकते हो? नहीं ना, क्या ठीक कर दोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं। मामा अपने बेटे को इतना कमजोर मत समझे। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़की झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मैंने उससे कोई वादा नहीं किया। क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि मैं ऐसा कुछ? ये गलत तुम पर सूट करता है। देखो माँ, तुम और मुझे इस तरह भी कर सकते हो। आए तो अच्छा है, तुम मेरी परवाही नहीं। परवाह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस जो नजर को अच्छा लगा मैंने बता दिया। किस कलर सूट चाहिए? बाय से निकाल रही हो और दिल से भी निकालने का सोच रही हो? आप क्या चाहती है कि मैं दिल से भी निकाल दूं? मैं या कोई और क्या सोच रहा है ये अहम नहीं है। अहम बात ये कि तुम क्या सोच रही हो। जिंदगी तुम्हें गुजारनी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए ना। लेकिन लेकिन क्या बेटा? बेटा तुम्हारे डैड इस रिश्ते पे तैयार ना हो। क्या आपको लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है? नहीं जान, तुम अब भी झूठ और सच के बीच में झूल रही हो। सच बोल रही है या नहीं बोल रही तुम किसी भी तरह कंफर्म करना चाहती हो। अच्छा फर्ज करो ये सच है, फिर उसका भी फैसला तुमने खुद करना है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करे एतमाद के साथ। पता है क्यों? अपनी मर्जी से किए हुए फैसले चाहे गलत ही क्यों ना हो, इंसान अपने आप से ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। लेकिन गलत फैसले जब दूसरे करते हैं तो उनको माफ़ करना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वापस ये चाहती है कि मुस्तकबिल में आप किसी भी इल्ज़ाम से बच जाए। अरे नहीं मेरी जान, बच्चे ऐसा सोचते हैं, माँ बाप नहीं सोचते ऐसा।
मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी खुद इत्मीनान जिंदगी गुजारे। नहीं जान, तुम्हारा जो भी फैसला है गलत है कि सही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी जान, आई एम ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। बहुत अच्छे, तो आप इमाम जैसे शह देती हैं, उस घटिया इंसान की असलियत जानने के बावजूद आपको लगता है उसे कंसिडर किया जा सकता है? मम्मा ने ये नहीं कहा था। ये नहीं कह रही थी, लेकिन ऐसा ही कुछ कह रही थी। हालांकि बात साफ हो चुकी है, वो एक फ्रॉड इंसान है, और ऐसे धोखेबाज आदमी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो एक लड़की है जिसने उसकी असलियत जाहिर कर, और पता नहीं कितनी लड़कियों से वादे कर रखे उसने। अंधे हो गए हैं आप, कुछ नजर नहीं आ रहा आप लोगों। इसका मसला क्या है? बस हाँ, बस जस्ट रिलैक्स बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुमसे शराफत से पेश आ रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो। अगर मैं ना गई तो मैं अपनी जान से मार दूंगा। मैं अपनी मॉम की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकता। बड़ा सच थच के जा रही हो। जितना बुरा मेरे साथ कर चुकी हो ना, अब और नहीं। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूं कि तुम्हारे थप्पड़ खाती रहूंगी। तुम हद से बढ़ रही हो। हद से बढ़ रही हूं? हद अभी शुरू भी नहीं हुई अमल नयाब, आज से तुम मेरी बहन नहीं हो, खुली दुश्मनी है हम दोनों के बीच, समझी? और जो मेरी इज्जत मेरी माँ की नजरों में तुमने बनाई है ना, उसका बदला मैं सूद समेत वापस करूंगी तुम्हें। याद रखना इस बात को। क्या हुआ है, क्यों भड़क रही हो? क्या कह रही थी नुशाबा? कुछ नहीं अम्मी, वो रात को जो बात हुई थी तो उसी को लेकर नाराज है। इसे तो मैं भी जाके ठीक। अरे नहीं अम्मी, अम्मी क्या हो गया है, छोटी है ना अभी, जब अपना अच्छा बुरा पहचान लेगी तो खुद ही पता चल जाएगा क्या अच्छा है और क्या बुरा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी तक बुद्धि क्यों नहीं गई? वो अम्मी आज नए बुटीक पर इंटरव्यू है, उसी के लिए जा रही हूँ बस। पहली वाली को क्या हुआ, तुमने जिक्र तक नहीं किया? काफी दूर पड़ता था वो। पुरानी तो अच्छी होती है ना, उसमें क्या बुराई थी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो नई बुटीक में तुम जा रही हो, क्या वो लोग तनख्वाह अच्छी देंगे? भाई देखो, अब इन पैसों में गुजारा नहीं होता। अम्मी आज पहली मर्तबा जा रही हूँ, इंटरव्यू है, बोला तो है कि सैलरी बढ़ाते हैं। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिमांड? हाँ, अगर वो खुद से ना बढ़ाए ना तो खुद डिमांड करो, वरना आजकल कोई ख्याल नहीं रखता किसी का। मुझे अभी तक तुम्हारी हरकत समझ नहीं आई। तुम जानते नहीं हो कि लड़की होते हुए ऐसी बातें कहना कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? हाँ तो क्या हो गया, मुझे वैसे भी ऐनी पे बहुत गुस्सा था। तुम्हारे सामने ही उसने कितनी इंसल्ट की थी मेरी, और उससे बदला लेने का इससे बेहतर मौका मुझे वैसे भी नहीं मिलना था। बदला उससे या मुझसे?
अच्छा छोड़ो ना, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी मॉम के पास। पहले कॉफी के लिए ना चले। सीरियसली तुम्हें सब भी कॉफी का ख्याल आ रहा है? तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हो? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा अपॉइंटमेंट है आज, मैडम सालिया की तरफ से आई हूँ। मैडम वो लड़की आई है जो मैडम सालिया के यहाँ काम करती थी। अरे आज तो मैंने उसे टाइम दिया था ना। जी बुला के लाओ। जी बुला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बताया था तुमने अपना? अमल नयाम। अमल आओ बैठो। आओ सभी बैठ। यहाँ की सब निकाल, तुम कुछ कहने आए थे ना? और ये लड़की कौन है? बाद में बात करता हूँ, मुझे कहीं जाना है। निकाल बाद में बात करता हूँ। जी मैडम, समरीन मैडम की कॉल। हेलो, लड़की को भेजो मेरे पास। लेकिन मैडम वो तो चली गई है। ऐसे कैसे चली गई? पता नहीं मैडम, वो आपके रूम से निकली और चली गई। अच्छा ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं जॉब करने के लिए। अमन क्या हुआ? सब ठीक तो है? फरनाज हाँ, मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी, प्लीज़ कोई और जॉब ढूंढ लो मेरे लिए। क्या तुम वहाँ बैठो तो सही। कम बैठो, मुझे बताओ क्या हुआ, क्यों नहीं करनी जॉब? मैंने कह दिया ना मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी। तुम्हें क्या लगता है जॉब्स मिलना बहुत आसान? बात सुनो मेरी, अपनी मर्जी और अपनी पसंद से जॉब यहाँ किसी को नहीं मिलती, और तुम्हें वहाँ मैंने भेजा था। और अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो पूरी मार्केट में मेरी रेपुटेशन खराब होगी। मैंने उन्हें तुम्हारी गारंटी दी। तुम समझ ही नहीं रही हो मेरी बात को। वहां वो आया था। वो कौन? शामिर? नहीं, मिकाल। मिकाल? क्या कहा उसने? कहना क्या है उसने, किसी लड़की के साथ घूम रहा था वहां पर। उसे शॉपिंग करवाने आया होगा वहां। जाहिर सी बात है, अब फिर किसी लड़की को सुनहरे ख्वाब दिखा रहा होगा। और तुम कह रही हो कि मुझे वहां जॉब करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए जॉब। एक बात मुझे और समझ में नहीं आ रही थी, वो बिना किसी को बताए डायरेक्ट मैम के कमरे में चला गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनको बहुत पहले से जानता हो, वहां आना जाना हो उसका। तुम खुद सोचो मैं वहां जॉब कैसे कर सकती हूँ। प्लीज तुम कोई और जॉब ढूंढ दो, मुझे वहां जॉब नहीं करनी। अमल वो वहां उसे ड्रेस दिलवाने आया होगा, जरूरी तो नहीं कि वहां बार बार आए, एक बार ही हुआ ना ऐसा। और तुम सिर्फ एक इत्तेफाक की वजह से इतनी अच्छी जॉब अपने हाथ से जाने दोगे? एक बार अच्छी तरह से सोच लो, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए जॉब ढूंढी थी। ये जॉब अगर तुम्हारे हाथ से चली गई तो पता नहीं आगे तुम्हें काम मिले या ना मिले। और देखो मिकाल शामिर की तरह खूनखार नहीं है। तुमने मुझे खुद बताया था ना कि उस दिन मिकाल ने तुम्हारी हेल्प की थी शामिर से बचने में, है ना? हाँ। तो फिर नहीं, मैं नहीं करूंगी जॉब वहां पर। तुम खुद सोचो मैं कैसे जॉब कर सकती हूँ वहां पर। कॉल आ रही है मैम। माना कर दो। चुप कर जाओ तुम। नहीं जाऊंगी। अरे नहीं करो तुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, उसे काम करना है, क्यों नहीं करना? जी वो एक्चुअली आज उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए उसे जाना पड़ा। जी जी, वो इंशाल्लाह कल जरूर आएगी। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।
तू यहाँ बैठी हुई क्या खा रही है? जो भी खा रही हूँ, आपको क्या तकलीफ हो रही है? और वैसे भी जो ये चीज है ना, ये कोई लाखों रुपए की नहीं है। जबान तो देखो कैसे गज भर की लंबी है, माँ से कोई इस लहजे में बात करता है? जिस दिन मेरा दिमाग घूमा ना, गुद्दी से पकड़े तेरी जबान काट कर रख दूंगी। जो बोलने आई है वो बोलना क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? चल उठ यहाँ से, उठ जाके अमल के लिए दो रोटी डाल। सारा दिन कोलू की बैल की तरह मुझे काम करना पड़ता है, थक गई हूँ मैं। बात सुने, आपको अगर कोई काम है ना तो वो बताए मुझे, उस महारानी का कोई काम नहीं करूंगी मैं। क्यों क्यों नहीं करेगी उसका कोई काम? जाके रोटी बना। क्योंकि मुझे वो अच्छी ही नहीं लगती, नफरत है मुझे उससे, दुश्मन है वो मेरी। अच्छा, उसी की कमाई से ना ये तो अपनी दोजख भरती है। ठीक है, फिर कल से ना मैं खुद कमाऊंगी, लेकिन उसके कमाए हुए पैसे से एक दाना भी नहीं खाऊंगी इस घर में। अच्छा, तू नौकरी करेगी जिसने 2 साल में मैट्रिक किया है? अरे तुझे तो कोई अपने घर में मासी भी ना रखे, तू क्या नौकरी करेगी? तो फिर ठीक है ना, मेरी शादी करवा दें आप। कैसा? अच्छा, जैसे इस घर में नोटों के अंबार लगे हुए। कैसे मुंह फाड़ के बोल रही है बेशरम, मेरी शादी करवा दे। जा जाके रोटी बना। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, तुम्हारी जिंदगी कितनी अजीब, और शायद ये भी कि तुम इस दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हो। मोहब्बत में मेरी तो फरेब के पर्दे में लिपटी हुई। तुमने जिसे अमृत समझा वही जहर निकला। लेकिन अमृत, तुम शायद ये नहीं जानते कि इस दुनिया में तुमसे और मुझसे भी ज्यादा मजबूर और बेबस लड़कियां जो अपनी सारी जिंदगी सुलगती हुई जहन्नुम की तरह गुजार देती, लेकिन फिर भी जिंदा रहने पर मजबूर रहती। क्या तुम मुझसे भी ज्यादा किसी मजबूर लड़की को जानती? क्या कभी मिली हो ऐसी लड़की से? कभी ऐसी लड़की से मिली हो तो जिसके साथ मोहब्बत के नाम पर इतना बड़ा फरेब किया गया, इतना बड़ा फरेब किया उससे उसका बाप ही छिन गया। क्या कभी मिली हो ऐसी लड़की से तो का शौहर शादी की पहली रात ही उसे किसी और के हवाले करके चला गया हो? एक शर्त के लिए कि उसे गाड़ी जीतनी थी। क्या मिली हो कभी ऐसी किसी दुल्हन से तुम जिसकी शादी का जोड़ा ही उसकी इज्जत का कफन बना दिया गया? एक बेमोल बेकीमत लाचार लड़की से मिली हो कभी? क्या देखी ऐसी दुल्हन कभी तुमने जिसको ये नहीं पता कि जो उसका निकाह पढ़ाया गया है वो सही भी था या सिर्फ फरेब, धोखा, बेईमानी? देखी है कभी ऐसी कोई दुल्हन? खाक मेरी ये पूरी
के क्यों मैं दुल्हन हूँ। क्यों किया मैंने उसके साथ ऐसा? हर कदम पर, हर मोड़ पर मैं क्यों उसके सामने पहुंच जाता हूं? पता नहीं उसे जॉब की कितनी जरूरत होगी, मेरी वजह से अब वो ये जॉब भी नहीं करेगी। रुकी रुकी रात ढले, रुकी रुकी रात ढले। बर्बाद कर दिया मैंने उसे। ऐसा सलूक तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। उसे शामिर जैसे भेड़िए के आगे फेंक कर चला गया था मैं। निकाल, बहुत बुरा किया, इतना बुरा कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। रुकी रुकी रात ढले। तो फिर जा रही हो ना कल से तुम मैम कुछ उनकी बुटीक में? देखो अमल, इनकार मत करना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी और आईना वो मेरी किसी बात का कभी एतबार नहीं करेंगी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आज की रात बस इतना ही वक्त है तुम्हारे पास। देखो उनकी कॉल आई थी, अभी उन्हें तुम्हारी जरूरत, क्या पता बाद में शायद ना हो। ऐसे एक इत्तफाक की वजह से अपने आप को मुसलसल अजाब में मत डालो अमल। तुम प्लीज फिलहाल यहाँ जॉब करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं जल्द अज जल्द कोई और जॉब तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगी। तो मेरी वजह से इतनी टेंशन नहीं लो, मैं कल चली जाऊंगी। तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। थैंक यू। निकाल, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो बेटा? अब इधर आओ, यहाँ आओ मेरे पास। क्या हो गया है? कहाँ से आ रहे हो इस वक्त और ये क्या हुलिया बनाया तुमने? कुछ नहीं, बस वैसे ही बीच पर चला गया था। मैं नोट कर रही हूँ, कुछ दिनों से तुम कुछ दीवानों जैसी हरकत ही नहीं करने लगे। कोई बात हुई है क्या? अगर कुछ है तो मुझसे शेयर कर लो, मुझे नहीं बताओगे? और वो बात, और वो क्या? कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, जाओ जाके चेंज कर लो, मुंह हाथ धो लो। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लेकर आती हूँ। नहीं कॉफी नहीं, पता नहीं क्यों भूख भी लग रही मुझे। ठीक है, खाने को भी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी ये सामान ले आई हूँ, देख ले। अच्छा, सारा नहीं आई? जो आपने लिख के दिया था वो सब ले आई हूँ। नुशाबा, बहन के लिए पानी लाओ। हाँ सब है। पूरा है? हाँ, दालें पूरी ले आई ना। मैं ना किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ, जिसको प्यास लग रही जाके खुद पी ले। तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? चार पांच दिन बाद दोबारा बुलाया है हमें। क्यों, कल नहीं जाओगी क्या? नहीं, चार दिन बाद दोबारा बुलाएंगे, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जॉब कंफर्म होगी। पैसे बढ़ाने की बात की ना तुमने उससे? अम्मी, पहले जॉब कंफर्म होगी तो पैसों की बात करूंगी ना। तुमने तो अजीब मुझे वसवसे में डाल दी है। नौकरी होगी नहीं होगी, हम गरीबों की भी क्या जिंदगी है? थोड़े से पैसे बढ़ने की खुशी वो भी किस्तों में मिलती है। अनऑफिशियली तो तुम्हारी मंगनी टूट चुकी है, लेकिन तुम्हारे डैड चाहते हैं कि ऑफिशियली अनाउंस कर दें। व्हाट? नहीं,
पापा ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम अगर इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मैं अपने पापा को जानती हूँ, मुझसे पूछे बगैर ऐसा फैसला कभी नहीं करेंगे। बेटा, तुम्हारे डैड किसी भी ऐसे शख्स से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे जो पहले ही किसी लड़की से शादी का वादा कर चुका है। मम्मा, आपने ही तो कहा था। यानी तुम्हारा दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा सही। मैंने ये कहा था कि शादी से पहले जो मर्द अफेयर चलाते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। ये तो अफेयर नहीं है, ये शादी है। उसने शादी का वादा किया किसी लड़की से। मुझे पता है मम्मा। और अगर उसने ऐसा कर लिया ना तो हम तो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और इसीलिए तुम्हारे डैड ने ये फैसला किया है कि मंगनी तोड़ने का ऐलान हमारी तरफ से हो, ताकि हमारा पल्ला भारी रहे। मम्मा, मैं फूफो जान को जानती हूँ, निकाल को ऐसा नहीं करने देंगी। तुम्हारी फूफो जान से शादी नहीं हो रही है, निकाल से हो रही है। और ये पुराने जमाने की बातें थी जब पेरेंट्स को देख के रिश्ते होते थे, तो लड़का देखा जाता है। और यहाँ तो लड़का ही काबिल एतबार नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस सब में क्या करूं। मेरी जान, इस तरह कमरे में बैठ के तो कुछ नहीं होगा ना। गो टॉक टू हिम, पूछो वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या चाहता है। मैं मैंने उससे पूछा था, उसने कहा था कि सुबह झूठ बोल रही है। ओके बेटा, अगर वो झूठ बोल रही है तो उससे कहो आए सबके सामने सच बोल दे, बस। बस मेरी जान। तुमने बताया नहीं क्या बना उस लड़की का, मिली है अभी तक उसके पीछे ख्वार हो रहा है। मिल तो जाती यार, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मिकाल बीच में आ गया, तो किसी तरह मिकाल को साइड पे करना होगा। ये क्या बात की तुमने? अगर मिकाल अपने वादे और बेड से फिर रहा है तो तू अपनी गाड़ी वापस ले ले, बात बराबर हो जाएगी। बात बराबर नहीं होगी यार, क्योंकि मुझे अब वो गाड़ी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि तुम निकाल को रास्ते से कैसे हटाओगे? After all, वो तुम्हारा कजन और तुम्हारी बहन का फियांसे है। मेरा कजन ना होता ना तो तक तुम मैं उसकी। अच्छा, एक मशवरा दूं अगर तुम आने। तू अपने बहन की शादी निकाल से हो जाने दे, इस तरह तुझे निकाल को अपने रास्ते से हटाना भी नहीं पड़ेगा और वो खुद ब खुद तेरे रास्ते से हट जाएगा। साहबजादे तो अभी तक सो रहे होंगे, लेकिन ये अभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है उधर? वो कुसुम क्या गई है? सुन क्या है? तुमने तो रोका क्यों नहीं? मैंने मना किया उसका कुलसुम के यहाँ जाना। आप ऐसे क्यों कह रहे? अरे भाई, जिस घर में मेरी बेटी की अख्तलफी हुई हो, उसके साथ ज्यादती की जाती हो, उसकी बेइज्जती हो, वहां उसे तो क्या हम में से किसी को भी नहीं जाना चाहिए, रोकना चाहिए था तुम उसे। हारून, आपने खुद ही तो अपने बच्चों को उनकी पसंद की शादी का हक दिया है, अब देने के बाद वापस कैसे ले सकते हैं? देखे हारून, एनी मिकाल से मोहब्बत करती है और वो कोई भी ऐसी बात सुन के अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होगी जिससे मिकाल इनकार कर रहा हो। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? आपको याद है विकाल ने उस लड़की को फ्रॉड करा दिया, इसीलिए वो विकाल से मिलने गई है ताकि उसके मुंह से सच्चाई सुनकर समझकर कोई फैसला कर सके। तुम क्या समझ रही हो, विकाल सच बोलेगा उससे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जितना मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ ना, वो इस रास्ते से नहीं हटेगी। और अगर उसकी हक तलफी की गई तो घर में चुपचाप बैठ के मातम नहीं करेगी, बल्कि बल्कि क्या? वेक अप। सुतिया, सरप्राइज। क्यों नहीं आ सकती क्या? सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि
तुमने जुबी की बात का यकीन नहीं किया। देखो मैं बस एक चीज जानती हूँ, तुम मेरे हो और तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वैसे भी वादे तो टूटने के लिए ही होते हैं ना, तुमने कौन सा कोई निकाह कर लिया इससे? What? किधर खो गए? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, अगर तुमसे कोई वादा किया हो और पहली बात है फर्ज करना, सिर्फ फर्ज। क्या कहना चाहते हो कहो। सिर्फ फर्ज करना है कि अगर तुमसे कोई वादा किया हो और पूरा ना हो सके तो उसका मतलब ये है कि तुमने वाकई जुबी से वादा किया था, झूठ नहीं कह रही थी। देखा, एक सेकंड में तुम्हारा मुझ पे एतबार खत्म हो। एक बात पक्की है, सभी इंसान के अपने ऊपर आती है ना, वो कुछ भी कहीं भी बदल सकता है। What are you trying to say, Mikhail? मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया, ना जुबी से ना किसी और से। मुझे कुछ नहीं पूछना। Are you sure? मेरा ट्रायल खत्म हुआ? हाँ, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ। ये कुछ और कहना है? मिकाल, मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेवफाई और अपनी तौहीन हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। ओके? ओके। अब तुमने अगर ये बता दिया है तो ये भी बता दो कि बेवफाई या तौहीन की सजा क्या होगी। मैं खुद को तुम्हें तबाह कर दूंगी, आई प्रॉमिस।